एवरीवन, नाउ टुडे आवर नेक्स्ट लेटर इज फा। फा की हम बात करें तो फा का जो सर का हिस्सा है और नीचे का हिस्सा है, ठीक है। नीचे का हिस्सा तो एग्जैक्टली लाइक बा होता है और सर का हिस्सा जो है वो एक मुरब्बा में होता है, यानी कि स्क्वायर में होता है। स्टार्ट करते हैं फा से। फा का हेड पार्ट के लिए 90 डिग्री पे आपने अपना कलम रखना है यहाँ पे पूरा, और एक गहराई बनानी है, ठीक है। सेम 90 पे रखना है और एक इस तरीके से ऊपर बनाना है ताकि आपको ये एक गोल दायरा मिल जाए और इसको नीचे लेके जाना है, ठीक। ये अगर चौड़ाई देखें एक कट है, नॉट एक नुक्ता, ठीक है। दिस इज एक कट एंड दिस इज वन नुक्ता, तो वन नुक्ता इज लिटिल मोर देन वन कट, ओके। अगर देखा जाए तो ये देखिए, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो ये आपकी एक कलम की चौड़ाई, एक कलम की चौड़ाई। ये हिस्सा आँख से हटा के थोड़ा सा आपको गोल करना होता है, ठीक है। और ये चौड़ाई भी इसकी तकरीबन एक कट फॉल करती है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम बेस पार्ट पे। बेस पार्ट हमारा नीचे फ्लैट 90 डिग्री पे कलम चलेगा और ऊपर की तरफ। अच्छा, इसको ऊपर की तरफ नहीं छोड़ देना है, इसको हम कलम की नोक से बना के ज़रा सा अंदर ले जाके ख़त्म करेंगे, ठीक है। इस तरीके से कि जब ये अगर हम कंप्लीट करें तो ये एक गोल दायरा बन जाए, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ज़्यादातर फॉन्ट में और जो एक जनरल प्रैक्टिस है उसमें फा का नुक्ता ऊपर आता है, लेकिन मगरबी मकसूद में फा का नुक्ता नीचे आता है, इसलिए हेड के नीचे यहाँ पर एक दायरा, ठीक। ये यहाँ पर एक फा का नुक्ता आता है, ये हो गया फा। लेट्स डू दी मेजरमेंट। मेजरमेंट की अगर हम बात करें तो हमारे फा का जो ये हेड पार्ट है, अगर देखा जाए, ये मैंने बताया था कि मुरब्बा होता है, मुरब्बा मीन्स स्क्वायर में। ये देखिए, ये एक स्क्वायर बना है, यहाँ भी दो नुक्ता, ठीक है, और यहाँ भी दो नुक्ता, ठीक है। ये आ गया बेस पार्ट, तो ये हो गया एक नुक्ता और, यानी कि तीन नुक्ता इसकी हाइट हो गई, ठीक है। ये डिस्टेंस हो गया आधा नुक्ता, और ये जो हमारी इसकी लेंथ हो गई टोटल, ये हो गई 4 नुक्त, ठीक है। ये हमारी हो गई टोटल 4 नुक्त। ये देखिए, ये गुलाई क्या जाए, हर तरफ एक जैसे सर्कल आ रहे हैं, मीन्स ये गुलाई है, ठीक है, फ्लैट नहीं है कोई भी पार्ट। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट।